आप देख रहे हैं मार्केट साइंटिस्ट। आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि मंडे को मार्केट का क्या आउटलुक दिख सकता है। सबसे पहले एक बार एफआईज के पोजीशन को देखेंगे। लास्ट डिस्कशन में भी हमने कहा था अगर इस समय एफआईज के पोजीशन को आप देखें तो ओवरऑल आप क्या पाएंगे कि एफआई के जो पोजीशन है वो अभी भी वीक दिख रहा है। यहां देखेंगे तो एफआईज को अगर पुट के तरफ देखें तो एफआईज का पोजीशन लगभग 38 के लॉन्ग है। यही अगर कॉल के तरफ देखेंगे तो जो एफआई के पोजीशन है वो लगभग 7.5 के जो है वो शॉर्ट है। यानी एफआई के जो पोजीशन है इस समय वीकनेस दिख रही है। और यहां अगर मैं आपको डाटा को भी दिखाऊं तो यहां देखेंगे कि पिछले 3 दिन से जो कॉल की राइटिंग है वो कंटिन्यूअस बढ़ रही है, जबकि पिछले 4 दिन से ये घटते हुए दिख रहा था। और यहां पुट की राइटिंग देखेंगे तो एज इट इज दिख रहा है। तो ओवरऑल इस समय देखेंगे तो डाटा आपको निगेटिव आते हुए दिख रही है। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि यूएस मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग रही वो पॉजिटिव रही। यहां देखेंगे तो नैसडेक और डाउ जोन की जो क्लोजिंग रही वो पॉजिटिव रही और अमेरिकन मार्केट को एसजीएक्स निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया और जो क्लोजिंग रही वो देखेंगे कि पॉजिटिव रहा। तो कल के लेवल्स को देखेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे, फिर निफ्टी के लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं जिससे कि आपका व्यूज काफी क्लियर हो सके। इस समय बैंक निफ्टी में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे इजिली अगर आप इजिली देखेंगे तो आपने क्या पाया, जो हिस्टोरिकल पैटर्न दिख रहा है उसी को बैंक निफ्टी ने रिपीट किया। अर्लियर जो ब्रेकआउट था इसके ऊपर का क्लोजिंग और ब्रेकडाउन, यहां देखेंगे क्लोजिंग ब्रेकडाउन, क्लोजिंग ब्रेकडाउन, अगेन हमने क्या देखा, क्लोजिंग और ब्रेकडाउन। ये सभी जो ब्रेकडाउन रहे थे वो काफी बड़ा रहा था। तो क्या सेम मोर देन 1000 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी या इस बार जो हिस्ट्री है उसको तोड़ेगी और यहां से एक रिवर्सल ऊपर की तरफ दिखेगा, ये तो हालांकि आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो क्लोजिंग रहा है वो ओवरऑल वीक रहा और यहां से देखेंगे तो लगभग 38,500 के आसपास का इस प्राइस से अभी भी रूम मिल रहा है कि 1000 पॉइंट तक के जो डाउन ट्रेंड है वो दिख सकते हैं, एक बेहतर डाउन ट्रेंड का रूम मिलते हुए दिख रहा है। तो 15 मिनट के लेवल्स पे देखेंगे कि मंडे के लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकते हैं। मंडे का जो क्लोजिंग रहा था वो काफी वीक रहा था। हमने यही आपसे कहा कि जो मंडे का क्लोजिंग रहा था वो काफी वीक रहा था। इस समय जो मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है वो देखेंगे तो 400 के आसपास का, ये जो 420-400 के आसपास का रेजिस्टेंस दिख रहा है ये देखेंगे तो अर्लियर भी एक काफी फॉल्स ब्रेकआउट रहे थे लेकिन वो सभी देखेंगे कि ब्रेकडाउन में चेंज होते हुए दिखा है। इसी लेवल से देखेंगे किस प्रकार के मल्टीपल ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं। तो इस समय जिस प्रकार से एसजीएक्स निफ्टी का क्लोजिंग रहा है पॉजिटिव, तो एक्सपेक्टेशन है कि 600 के आसपास तक के ओपनिंग दिख सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉल के क्या क्या अपॉर्चुनिटी दिख सकते हैं उसको आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ 39,650 से लेकर के 450 के बीच का जो जोन है ये कंसोलिडेट जोन है। इस जोन में जब तक मार्केट कंसोलिडेट कर रही है आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ही लेने पड़ेंगे। अगर आप बड़े पॉइंट्स के लिए जाते हैं तो काफी एसएल आपके हिट होते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दे कि मार्केट अगर 39,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बाय ऑन डिप्स कॉल के लिए लेना है और जो अपट्रेंड है वो 900 तक के लेवल को अटेम्प्ट कर सकता है, 39,900 तक के लेवल को अटेम्प्ट करेगा। इस चीज को ध्यान में रख लेंगे कि अगर 39,550 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बाय ऑन डिप्स कॉल के लिए आएंगे। कौन से लेवल, 39,550, इसको आप अपने नोटबुक में लिख ले, क्योंकि इसीलिए कि ये जो 550 का लेवल रहा था ये मल्टीपल सपोर्ट रहा था यहां देखेंगे, और इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद ही एक बड़ी गिरावट दिखी थी। तो इस समय 39,550 जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। इस रेजिस्टेंस को अगर सपोर्ट करता है तो फिर 800 और 900 तक के रैली को दिखेगा। तो कल के लेवल्स को ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कि अगर गैप अप होता है
इस लेवल के आसपास गैप अप होता है, फिर मैं कॉल लेने से बचूंगा, फिर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। क्योंकि हमने बहुत बार देखा कि अर्ली मॉर्निंग में गैप अप तो हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं होने के बाद कंटिन्यूअस गिरावट दिखी है। तो इसीलिए मैं आपको सारे लेवल्स इजीली लिख देता हूं। पहला लेवल मान लीजिए 39,580 और 600 के बीच में अगर मार्केट सस्टेन करे तो एक छोटा सा एसएल लेंगे, और जो आपका टारगेट है, पहला टारगेट होना चाहिए 39,720, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 39,880 और जो चौथा टारगेट होगा वो 39,960। ये तीन लेवल आपको ऊपर की तरफ लेना है जब मार्केट 39,580 के ऊपर सस्टेन कर ले। लेकिन मान लीजिए कि मार्केट ओपन हुआ 620 के आसपास और उसके बाद यहां से ब्रेकडाउन दिखे, तो जो फिर कॉल के लिए वेट करेंगे वो आपको अगेन 39,250 और 300 के आसपास के लेवल के प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। यहां अपॉर्चुनिटी नहीं दिखे तो फिर जबरदस्ती नहीं है, 38,950 के आसपास का वेट लेंगे। जो ओवरऑल दिन का, पूरे दिन का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लग रहा है, लोअर साइड देखिए तो 39,000 का सपोर्ट है और ऊपर साइड के जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस देखेंगे तो 39,850 के आसपास का रेजिस्टेंस दिख रहा है। ओवरऑल इसी ट्रेंड जोन में जो है मार्केट कंसोलिडेट करते दिखे, ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरा है। लेकिन डाउन ट्रेंड पुट के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी कहां दिखेगा, 39,620-50 के आसपास अगर पुट की अपॉर्चुनिटी मिले तो यह सबसे बड़ा आपको जैकपॉट कॉल दिख सकता है। जहां आपका पहला टारगेट 39,520 का पहला टारगेट लेंगे, 39,440 का दूसरा टारगेट लेंगे और 39,300 का तीसरा टारगेट लेंगे। ये ऐसा जोन है जहां पे आप एवरेज आउट कर सकते हैं, जहां पे आप फ्रेश पुट की पोजीशन ले सकते हैं। मान लीजिए कि अर्ली मॉर्निंग में 600 के आसपास भी कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करके अगेन 550 के लेवल को ब्रेकडाउन किया तो एक बड़ा डाउनसाइड रैली 39,000 तक के डाउनसाइड भी दिख सकते हैं। तो इस चीज को कभी इग्नोर नहीं करेंगे, ये जो लेवल है ये आपको लेवल अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है। तो इसीलिए जो पुट का अपॉर्चुनिटी है उसको अगेन ध्यान रखेंगे, 39,650 पे अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो इजिली पुट के तरफ जाएंगे। जहां हमने कहा कि पहला लेवल जो है आपका 39,520 का होना चाहिए, उसके बाद 39,450 का होना चाहिए और तीसरा 39,300 का भी लेवल डाउनसाइड में होना चाहिए। ये पुट अपॉर्चुनिटी के लिए है क्योंकि 620 के आसपास के लेवल से ही ब्रेकडाउन किया तो पहला सपोर्ट 500-550, तो इसीलिए एक छोटा सा टारगेट होगा, इसको ब्रेकडाउन करा तो 400 और उसके बाद 300 तक के जो रिवर्सल दिखे थे ये मैक्सिमम टारगेट पुट के तरफ हमको दिखने वाला है। इसके बाद देखेंगे कि निफ्टी में कहां जैकपॉट दिख सकता है। निफ्टी के लेवल को अगर आप देखें तो इजिली पाएंगे कि इस समय निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसका कारण बैंकिंग और आईटी का सपोर्ट नहीं होना है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी के ट्रेंड आपको क्या दिखते हैं, यहां देखेंगे जो निफ्टी का क्लोजिंग रहा है वो काफी वीक रहा है और इस समय जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है वो लगभग 800 के आसपास का ही दिख रहा है। और जिस प्रकार से ये कैंडल देखेंगे तो डेली कैंडल काफी वीक रहा है और यहां रूम दिख रहा है 16,840 से लेकर के 16,750 तक के लेवल के लिए। कल अगर 17,000 के ऊपर का सस्टेन नहीं दिया तो फिर यहां से एक डाउन ट्रेंड रैली शुरू हो सकती है। कल का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर ये 17,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहां से एक रिवर्सल बड़ा रैली भी दिख सकता है। तो कल की क्लोजिंग का वेट करेंगे और कल कहां कहां आपको जैकपॉट दिख सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप इसके ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। यहां अगर आप देखें तो जो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहां देखेंगे जो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है और ये जो ओवरऑल ट्रेंड लाइन था, यहां देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन था अर्लियर, ये लोअर लो लोअर हाई था। इस जोन तक ये लोअर लो लोअर हाई था, यहां देखेंगे और जब इसने 17,060 के लेवल को ब्रेकआउट किया तो इसके बाद लगभग 17,200 तक की रैली दिखाई। और ये जो जोन रहा था 17,200 का जोन रहा था,
ये टॉप का डबल ब्रेकडाउन रहा था और ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मैं मानता हूं। यहां देखेंगे ये जो जोन रहा था ऊपर की तरफ, ये डबल ब्रेकडाउन, यहां देखेंगे डबल ब्रेकडाउन जोन रहा था। और जब भी इस प्रकार का जोन बनते हुए दिखता है तो यहां से देखेंगे कि किस प्रकार से यहां थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ भी, लेकिन जो क्लोजिंग रहा वो काफी वीक रहा है। तो कल के लेवल्स को ध्यान से समझेंगे। जिस प्रकार से निफ्टी की एसजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग हुई है तो वो तो आपको पॉजिटिव ही दिखा रहा है, इसीलिए कॉल बाइंग के सबसे पहले लेवल को समझेंगे कि कॉल का अपॉर्चुनिटी कहां कहां आपको ऊपर के साइड दिख सकता है। ये जो 17,040 के आसपास का लेवल है, इस चीज को आप समझ के चलिए कि जो 17,040 का लेवल दिख रहा है ये एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। 17,040 का लेवल जो दिख रहा है वो एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। कल हो सकता है कि आपको एक गैप अप दिखे, गैप अप दिखने के बाद तुरंत अर्ली मॉर्निंग मैं कॉल लेने से बचना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हमने इस समय क्या देखा है कि गैप अप होने के बाद ही मार्केट कंटिन्यूअस लोअर साइड जाते हुए दिखती है। और यहां देखेंगे कि किस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन भी, यहां देखेंगे लोअर लो लोअर हाई का ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रहा है। तो अगर यहां मान लीजिए गैप अप होता है 40 और 20 के आसपास गैप अप होता है, गैप अप करके थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर 17,040 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो पहला टारगेट 17,085 के आसपास का होना चाहिए और दूसरा टारगेट जो ऊपर के साइड आपको दिखने वाला है वो 17,130 के लेवल दिखना चाहिए और लास्ट 17,180। अगर मान लीजिए 17,040 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो बाय ऑन डिप्स कॉल के लिए लेंगे और मार्केट में 17,030 और 17,150 तक के अपसाइड दिखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है 17,040 के ऊपर का सस्टेन करना। अगर इस जोन को सस्टेन करता है, मान लीजिए 40 के लेवल को यहां कहीं भी ब्रेकडाउन करके अगर सस्टेन करता है, मैं तो ऐसे मानता हूं कि मान लीजिए ऐसा ब्रेकआउट हो, थोड़ा गिरे और उसके बाद जो ब्रेकआउट करे वो काफी बड़ा ट्रेंड होता है। तो इसीलिए अगर 17,040 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट, चूंकि ये रेजिस्टेंस रहा था, वो 17,080 के आसपास का होना चाहिए, दूसरा टारगेट जो है 17,140 से लेकर के 60 के आसपास के जोन को टारगेट लेंगे। ऊपर के साइड ये दो कॉल के टारगेट दिख रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग में ही मान लीजिए कि यहां गैप अप हुआ और यहां से रिजेक्शन दिखा तो फिर जो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है 16,960 के आसपास। ये जो भी लेवल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये सभी ऐसे लेवल्स हैं जहां से आपको जैकपॉट पॉइंट मिलेंगे। कॉल के बाद अब देखना है कि जो पुट बायर हैं, जो लोग पुट के इंटरेस्टेड हैं, उनको कहां कहां अपॉर्चुनिटी दिखने वाला है। अर्ली मॉर्निंग के बाद ही मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग होते ही अगर आपको 17,070 और 50 इसके बीच में अगर पुट का अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको एक स्मॉल एसएल 17,085 के आसपास के एसएल को लेना है और जो टारगेट आपको नीचे की तरफ होने वाला है वो आपको 17,020 से लेकर के 17,000 तक के लेवल दिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस एक्शन निगेटिव चाहिए या फिर 3 मिनट के 2 कैंडल अपने को रेड चाहिए होगा, क्योंकि जब भी देखेंगे या तो इस प्रकार के बियरिश इंगल्फिंग हो या फिर आपको दो, यहां देखेंगे कि 2 रेड कैंडल 3 मिनट में आपको आते हुए दिखे और उसके बाद का जो ग्रीन कैंडल बने वो उसके नीचे, मान लीजिए कि ऐसे करके पहला कैंडल आपको बनते हुए दिखा, ये मान लीजिए रेड कैंडल है, इसके बाद भी एक अपने को रेड कैंडल चाहिए और जो ग्रीन कैंडल बने भी तो ये काफी छोटा बने और इसके बाद जो ब्रेकडाउन होता है तो वो काफी कंटिन्यूअस रैली को नीचे ले जाते दिखता है। यहां देखेंगे किस प्रकार से रैली नीचे आते हुए दिखा है। तो जो पुट के अपॉर्चुनिटी को लेकर के वेट कर रहे हैं उनको 17,050 से लेकर के 17,070 के आसपास का वेट लेना चाहिए, यहां एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखेगा। दूसरा अगेन 17,020 के आसपास का लेवल को चुनेंगे, यहां अगर मिलता है तो 16,960 के आसपास का लेवल आपको इजिली दिखेगा। तो जो पुट का अपॉर्चुनिटी है, पुट के अपॉर्चुनिटी को अगेन नोट डाउन कर लेंगे। पुट के तरफ जो आपको अपॉर्चुनिटी लेना है, पहला अपॉर्चुनिटी 17,070, दूसरा 17,020 के आसपास का और तीसरा जो है 16,940।
ये तीन पुट अपॉर्चुनिटी ऐसे दिखेंगे जहां से आपको बड़ा टारगेट दिख सकता है। कल के लिए जो स्टॉक रडार पे लेना है वो स्टॉक लेना है आपको टाटा स्टील। टाटा स्टील को देखेंगे, यहां मैं आपको टाटा स्टील को दिखाऊं, तो कल के लिए टाटा स्टील को ध्यान पे ले लेंगे। अगर आपको 103 के दो तीन के आसपास बने, इस जोन में कहीं भी मिले, तो ये 5% के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। एक छोटा सा क्वांटिटी के को लेकर के ही ट्रेड करेंगे। और दूसरा टाटा पावर, बाकी के स्टॉक में आपको टेलीग्राम पे श्योरली अपडेट करूंगा। टाटा पावर का देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का वीकनेस रहा था, अगर मान लीजिए 195 के आसपास इसके बीच में कहीं भी ओपनिंग हो करके अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक छोटा सा एसएल लेकर के ये 200 तक के लेवल को अटेम्प्ट कर सकता है, इसको भी थोड़ा रडार पे रखेंगे। आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा। इसके अलावा के क्वेरी को कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेंगे। बाकी मैं आपको स्टॉक ऑप्शन सजेशन भी श्योरली करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।